हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट गाइड पर। मैं एक फार्मासिस्ट हूं और आप सभी के लिए हमेशा अलग अलग मेडिसिन्स की जानकारी लेकर आता हूं। आज मैं जिस मेडिसिन की जानकारी लेकर आया हूं उसका नाम है अस्थालिन 2। आज की इस वीडियो में हम अस्थालिन 2 टैबलेट के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, इसके यूजर्स के बारे में जानेंगे, इसके डोजेस के बारे में जानेंगे और साथ में इस टैबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में ही बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर से देखिएगा ताकि आपसे कोई जरूरी जानकारी मिस ना हो जाए। शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, इस अस्थालिन टैबलेट को जो है सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जो कि काफी अच्छी कंपनी में से एक है। इस अस्थालिन 2 में जो सॉल्ट मिला हुआ है वो है साल्बुटामोल 2 mg की मात्रा में। यह अस्थालिन जो है 4 mg की मात्रा के साथ भी अवेलेबल हो जाता है, जो जिसमें साल्बुटामोल की मात्रा जो है 4 mg के साथ अवेलेबल होती है। वो पेशेंट के कंडीशन और सीवियरिटी के अकॉर्डिंगली प्रेस्क्राइब की जाती है। अगर किसी की सीवियरिटी ज़्यादा है तो उसको हो सकता है अस्थालिन 4 टैबलेट जो आती है वो प्रेस्क्राइब की जाए, या फिर अगर किसी की कंडीशन ज़्यादा ख़राब नहीं है तो उस कंडीशन में अस्थालिन 2 भी प्रेस्क्राइब की जा सकती है। ये साल्बुटामोल जो है एक ब्रोंकोडायलेटर होता है, ये एयरवेज में होने वाले मसल्स को रिलैक्स करता है और उसको फैलाता भी है, जिससे हमें सांस लेने में आसानी होती है। चलिए अब जल्दी से जानते हैं इस अस्थालिन 2 टैबलेट का उपयोग जो है किस किस कंडीशन में किया जाता है। जैसा कि इस टैबलेट का नाम है अस्थालिन, तो इस टैबलेट का उपयोग जो है आस्थमा के ट्रीटमेंट में किया जाता है। अगर किसी को आस्थमा की बीमारी रहती है तो उनको सांस लेने में परेशानी होती है, उनका जो है दम फूलता है, छाती में दर्द होता है, व्हीजिंग साउंड आने लगता है, तो उसके ट्रीटमेंट में इस टैबलेट का उपयोग काफी ज्यादा किया जाता है। अगर किसी को आस्थमा का अटैक आ चुका होता है या फिर अटैक हुआ रहता है तो उसको तुरंत कंट्रोल करने के लिए इस टैबलेट का उपयोग जो है नहीं किया जाता है। उसके लिए आपको हो सकता है डॉक्टर कोई इनहेलर प्रेस्क्राइब करें, लेकिन आस्थमा के अटैक से प्रिवेंट करने के लिए या फिर आस्थमा अटैक को कम करने के लिए इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है, जिससे लोगों को आस्थमा के सिम्टम देखने को नहीं मिलते और वो अपनी लाइफ जो है इजिली स्पेंड करते हैं। अगला जिस कंडीशन में इस अस्थालिन टैबलेट का उपयोग किया जाता है दोस्तों, वो है COPD के ट्रीटमेंट में, जिसको हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुलमोनरी डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ये COPD के सिम्टम भी लगभग सेम अस्थमा के तरह ही देखने को मिलते हैं, जैसे इसमें भी सांसें फूलती हैं, व्हीजिंग साउंड आते हैं, छाती जाम हो जाता है, छाती में दर्द होता है और साथ में इसमें बलगम वाली खांसी भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इस COPD के ट्रीटमेंट में भी इस अस्थालिन 2 टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। यह अस्थालिन 2 टैबलेट जो है आस्थमा और COPD जैसी समस्या से प्रिवेंट करने के लिए काफी ज्यादा असरदार होती है। चलिए दोस्तों, अब इस अस्थालिन टैबलेट के डोजेस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इस अस्थालिन टैबलेट को 16 साल के ऊपर के व्यक्ति को दिन में 2 बार लेने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है, या अगर किसी की कंडीशन ज्यादा सीवियर होती है, ज्यादा खराब होती है, तो उस कंडीशन में इस अस्थालिन टैबलेट को दिन में 3 बार लेने के लिए भी डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। आपको ठीक उसी तरह इस टैबलेट का उपयोग करना चाहिए जिस तरह आपको इस टैबलेट का उपयोग करने के लिए डॉक्टर द्वारा एडवाइस किया जाएगा। कभी भी आपको इस टैबलेट का उपयोग खुद से नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी कंडीशन और सीवियरिटी जो है अलग अलग होती है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको कोई भी मेडिसिन डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इस अस्थालिन 2 टैबलेट के उपयोग करने से हो सकता है दोस्तों आपको इसके कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट भी देखने को मिले, जो कि समय के साथ ठीक हो जाते हैं, जैसे कि आपको घबराहट हो सकती है, मांसपेशी में आपके दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, या फिर आपको डिजीनेस जैसा ही फील हो सकता है। अगर आपको कोई भी सिम्टम ज्यादा परेशान करने वाले लगे तो आपको इस टैबलेट का उपयोग करना बंद कर देना चाहिए और अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। अगर आपको ये अस्थालिन टैबलेट को लंबे समय के लिए प्रेस्क्राइब किया जाता है तब भी आपको बीच बीच में अपने डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए, ताकि वो आपके बॉडी में पोटेशियम का लेवल चेक करा सके। अगर आपका पोटेशियम का लेवल जो है सही रहता है तभी आप इस टैबलेट को जो है लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मेरे पास अस्थालिन 2 टैबलेट जो अवेलेबल है, ये 45 टैबलेट की स्ट्रिप के साथ मार्केट में मिल जाती है, जिसकी प्राइस है 9.06 रुपए। शायद ही कोई ऐसी टैबलेट होगी मार्केट में अवेलेबल जो इतनी सस्ती होगी, तो आप इसको लेकर उपयोग कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा अपने जानने वाले साथ, और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा।
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।